शीत मरुस्थल कहे जाने वाले लाहौल स्पीति में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो बीजेपी से बगावत करने वाले रामलाल मारकंडा निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर बैठे हैं। मैं लाहौल स्पीति से आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ने जा रहा हूँ और 13 तारीख को मैं केलंग में नॉमिनेशन भर रहा हूँ। कांग्रेस ने अनुराधा राणा पर दांव खेला है। बीजेपी कांग्रेस के बीच डॉक्टर मारकंडे के आने से लाहौल स्पीति की चुनावी तस्वीर इस मर्तबा कुछ और ही होगी। मारकंडे 13 मई को केलंग में समर्थकों के साथ नामांकन भरेंगे। इससे पहले बुधवार यानी 8 मई को कांग्रेस की अनुराधा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। इस बीच बीजेपी के रवि ठाकुर को भी नामांकन करना है, लेकिन इन दोनों के बीच मारकंडे लाहौल की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनने जा रहे हैं। ये वही मारकंडे हैं जो 1998 से 2022 तक वह हिविका और बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस मर्तबा पहली बार निर्दलीय चुनाव मैदान में नजर आएंगे। डॉक्टर मारकंडे ने वर्ष 1998 में दिवंगत पंडित सुखराम की पार्टी हिविंका से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लाहौल स्पीति में चुनाव प्रदेश में बीजेपी हिविका गठबंधन की प्रदेश सरकार बनने के बाद हुआ था। उस वक्त चुनाव मैदान में 4 प्रत्याशी मैदान में थे। वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर ने निर्दलीय अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन डॉक्टर मारकंडे ने जीत दर्ज करवाई थी। वर्ष 2002 के चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर सिंह ने डॉक्टर रामलाल मारकंडे से 1998 की हार का बदला लिया था। दूसरे चुनाव में डॉक्टर मारकंडे को हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2007 में डॉक्टर मारकंडे बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के फुनचोक राय को पराजित कर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीत दर्ज कर दूसरी बार विधायक बने थे। वर्ष 2012 के चुनाव में रवि ठाकुर को कांग्रेस का टिकट मिला, उन्होंने डॉक्टर मारकंडे को हरा दिया। वर्ष 2017 के चुनाव में डॉक्टर मारकंडे ने रवि ठाकुर को पराजित किया। वर्ष 2022 में रवि ठाकुर ने डॉक्टर मारकंडे को पराजित कर दिया, लेकिन राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के चलते रवि ठाकुर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसी के चलते अब ये उपचुनाव यहाँ होने जा रहा है। खैर, देखना होगा कि इस बार लाहौल स्पीति में ऊंट किस करवट बैठता है।